Hello friends, welcome to my channel Biology with Agam Singh. Today we are going to discuss the basic difference between the genetic code and the codon. So let's start with the codon. So for what is codon? Firstly, we just have to understand codon kya cheez hai. Codon ek aisa region hai mRNA ka, matlab codon are the nucleotide units present on the mRNA which codes for a पर्टिकुलर अमीनो एसिड. फॉर एग्जाम्पल ये एक mRNA है, इसके ऊपर जो अमीनो एसिड जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं सच एज AUGCA GCA वट एवर द सीक्वेंस इज सो ऑन, द कोडोन्स आर द स्पेसिफिक ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट आर nitrogen bases, means that they are the triplet formed by the nitrogen bases codes for a specific amino acid, such as AUG codes for methionine amino acid. Amino acid means that AUG is highly specific, means it is specific for coding the methionine amino acid, means that अगर AUG कोड काम करेगा तो मिथिनिन अमीनो एसिड का सिंथेसिस करेगा. ऐसे अगर कोई दूसरा जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे UUU है तो ये कोई अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा. AAA है या AAG है तो ये एक अलग अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे. मतलब जो सीक्वेंस होता है, जो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस विच आर प्रेजेंट इन द सीक्वेंस ऑफ mRNA codes for a specific amino acid is known as codon. That's clear. Now come to the genetic code. What is genetic code? Genetic code kya cheez hai? Genetic code hai, ye bhi ek sequence hai mRNA ke upar. They are also the sequence of nucleotides present on mRNA, jo ki present hai mRNA mein, such like that. Same AUGCA and so on, means that it is also the sequence of nucleotide on the mRNA, but the difference is there, they contains the information for the polypeptide chain synthesis, for the information इनके पास information है for the polypeptide chain synthesis. Polypeptide chain synthesis मतलब इनके पास ऐसी information है इन codes के रूप में कि ये एक polypeptide chain protein की, मतलब एक प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने की इंफॉर्मेशन ये कंटेन करते हैं. मतलब या चाहे अपन प्रोटीन का चेन बोल लीजिए या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीन्स. सो इनके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है टू सिंथेसाइज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, मींस दे आर द लार्जर वंस. जो कोडोन्स होते हैं वो छोटे पार्ट्स होते हैं, जबकि जो जेनेटिक कोड है वो बड़े लेवल पे बात की जा रही है. जो कोडोन्स है वो छोटे लेवल पे बात की जा रही है कि सिर्फ एक छोटा सीक्वेंस किसका, नाइट्रोजन बेसिस का, जो कि ट्रिपलेट है, जो कि कोड कर रहा है सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए. जबकि जेनेटिक कोड एक बड़ी टर्म है, ये एक छोटी टर्म थी कि जो सिर्फ अमीनो एसिड के लिए बात कर रहा है, जबकि जेनेटिक कोड एक बड़ी टर्म है जो कि बात कर रहा है पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस की. क्योंकि यहां पर भी तो इस तरह के तीन तीन ग्रुप के अंदर जो ट्रिपलेट फॉर्म है कोडोन्स है वो mRNA के अंदर प्रेजेंट है. सो ये जो ट्रिपलेट कोड्स हैं वो क्या करेंगे, मिलके जब अमीनो एसिड अलग अलग बन रहे हैं तो ये अगर चेन में होंगे, चेन में बनेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन ही सिंथेसाइज होगा. इसकी वजह से जो जेनेटिक कोड है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन द mRNA विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस. मीन्स दैट कि यहां तो क्या हो रहा है, एक छोटा सा अमीनो एसिड सिंथेसिस हो रहा है और यहां पर पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस हो रही है. सो ये है छोटी टर्म, ये है बड़ी टर्म. सो आई होप कि आपको जेनेटिक कोड
और कोडोन के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज सच लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।